उज्जैन पुलिस कप्तान सविता सुहाने द्वारा जिले में अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में सीएसपी ऋतु केवरे के मार्गदर्शन में थाना नानाखेड़ा प्रभारी ओपी अहिर और टीम द्वारा मुखबिर की सूचना से तारामंडल पर दो लड़कों को पकड़ा और पूछताछ करते हुए उन्होंने अपना नाम अनिल पिता लालू बोड़ाना जाति बागरी निवासी खंडवा और राधेश्याम पिता आसाराम चंद्रवंशी जाति बागरी ग्राम खंडवा थाना खाचरोद और अनिल थाना इंगोरिया क्षेत्र का बताया। इनसे पूछताछ की गई। इनके पास से दो देसी कट्टे, दो कारतूस और कटकेदार चाकू बरामद हुए। तीनों आरोपी उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामले के खुलासे में थाना नानाखेड़ा प्रभारी ओपी अहिर, प्रधान उप निरीक्षक वेद प्रकाश साहू, उप निरीक्षक रोहित पटेल, आरक्षक किशोर राहुल राव, मंगल टैगोर की सराहनीय भूमिका रही। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। थाना नानाखेड़ा क्षेत्र से तीन बदमाशों को पकड़ा गया है, जिसमें से अनिल, राधेश्याम और संतोष हैं। इनके पास से दो देसी कट्टे और राउंड और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और एक खटकेदार चाकू मिला है। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये तीनों जो आरोपी हैं, ये एक इंगोरिया थाने का रहने वाला है और दो खंडवा के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पर रह रहे थे। बिल्कुल, इनसे और पूछताछ की जा रही है और प्रयास करेंगे कि और भी जो भी आगे है खुलासा हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।